चार चम्मच सरसों का तेल है जो गर्म हो चुका है, प्याज एक बारीक कटा हुआ, आधा चम्मच जीरा, पांच हरी मिर्च, हरी मिर्च को हमने बीच से कट किया है, प्याज फ्राई करेंगे, कच्चा पपीता को हमने छिलके और बीज निकाल दिए हैं और छोटे छोटे टुकड़े में कट करके तेल से धो दिए हैं। 700 ग्राम पपीता है। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गया है, कटे हुए पपीते को ऐड करेंगे, पपीता को फ्राई करेंगे प्याज के साथ। पपीता को हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लिए हैं। एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मेथी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, एक टमाटर। मिक्स करते हुए चलाइए। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, दो चम्मच पानी डालेंगे। पपीता को मसाले के साथ फ्राई करेंगे। पपीता मसाले के साथ फ्राई हो गया है। एक ग्लास पानी डालेंगे। पपीता को लो फ्लेम में कुक करेंगे। पपीता को हमने लो फ्लेम में कुक किया है। पपीता अच्छा से कुक हो गया है। आधा चम्मच गरम मसाला मिक्स करेंगे। दो चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ मिक्स करेंगे। गैस ऑफ करेंगे। पपीता रेडी हो गया है। पपीता का सब्जी रेडी हो गया है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।